जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी बहुत ही जज्बाती होने वाली है। आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि सैलाब जो आया हुआ है हमारे सरेकी इलाकों में और सरेकी नशेब में, लिया बखर और इधर हो गया कौन सा इलाका हो गया, राजनपुर, डर गाज़ी खान, तोसा शरीफ, वहाँ इसने बहुत ज़्यादा तबाहियाँ मचा रखी हैं। भाई मुझे इस बात पर बहुत अफसोस हुआ कि जो हुक्मरान 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ के MNA MPA ख़रीद रहे थे और अब उनकी इमदाद के लिए, सैलाब जंदगान की इमदाद के लिए वही लोग जो हुक्मरान हैं वही बैरूनी ममालिक से इमदाद लेने के मुंतज़िर हैं। इनके पास क्या इतने वसाइल नहीं हैं जो इनको दे सकें? मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। बस इनके अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा आप लोग उसे रिक्वेस्ट है कि जो इनके मतलब के करीब करीब वाले लोग हैं, सेफ़ एरिया में मौजूद हैं, वो कलेक्शन करें और जाके उनकी इमदाद करें। हुकूमत पर इतमाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस चीज़ पर कि जो इतने पैसे ज़ायो कर रहे थे उधर, अब गरीबों को देने के लिए इनके पास एक रुपया नहीं है। ये ड्रामेबाज लोग हैं। बाहर इन लोगों को आप पहचान लें ये कैसे लोग हैं, क्योंकि अभी तक वहाँ इमदाद के लिए कोई बंदा नहीं पहुँचा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो हमारे इलाके में सरेकी वसे में DG खान से लेकर बखर तक जो लोग भी मतलब के वो इसके कैल दे सकते हैं पैसे गरीबों को, तो उनको चाहिए कि उनकी इमदाद कर दें। बहुत शुक्रिया।